अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है। अल्लाह आपका मुताला पाकिस्तान को साथ हो। आज हम चैप्टर नंबर 2 का तफ़सील सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। क़यामत पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले मुश्किलात का जायजा है। पेज नंबर 32-34 पर बेटा इसका आंसर है। पेज नंबर 32 निकालें। पेज नंबर 32 इब्तदाई मसाइल, यहाँ से ये हेडिंग से शुरू कर दें, रेक्टर अखबार से लेकर और पेज नंबर 34 पर जहाँ ये सातवीं हेडिंग ख़त्म हो रही है सियासी मुश्किलात, उसके एंड तक हाई लाइट करने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। पहला देखें रेडक्लिफ अवार्ड। रेडक्लिफ अवार्ड पहली मुश्किल जी, क़यामे पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तायुन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। एक अंग्रेज़ कानून दान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तलाफात की सूरत में उसे सांसी कर फैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता था। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियत इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक की रसाई को मुमकिन बनाया। इस तरह मसले कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक कल तलब है। दूसरा पॉइंट है महाजरीन की आबादकारी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय ना थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक्लियत अपनी पूरी आज़ादी के साथ सब परचम के साथ तले रह सकेंगी। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई ममलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। भारत में पुरअमन मुसलमानों की आबादियाँ बस्तियाँ जला कर राख कर दी गई। कत्ल वारत का बाजार गर्म किया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को धकेल दिया गया। ये महाजरीन इस साल में पाकिस्तान आए कि नई ममलिकत को उनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लाखों लोग बहुत सी मुश्किल बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। महाजरीन में जख्मी और बीमार भी थे जिनको महाजिर कैंपों में रखा गया जहाँ हैजे की वबा फूट पड़ी। इलाज मुआवजे की नाकाफी सहूलतों की वजह से बहुत से लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। अगरचे ये नई ममलिकत के लिए एक नई ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल कर अपने महाजिर भाइयों की माली इमदाद की। इन्हें खाना लिबास मुहैया किया। आखिरकार ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। इसके बाद तीसरे पॉइंट बेटा इंतजामी मुश्किल। इंतजामी मुश्किल क्या में पाकिस्तान को कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकजी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्थिक दफातर भी कायम किए गए। हत्ता के वजीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज़्म नस्क का यह ढांचा इसलिए भी तबाह था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज़्यादातर को आला अहदों का कोई तजर्बा ना था। मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुँच सका कि हिंदुओं और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियाँ ही उखाड़ दी जिन पर चढ़कर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुँचना था। भारतीय फिजाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज का किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत न हारी और अपने तमाम तर इंतजामी सलाहियतें कौम के लिए वक्फ कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। अगला पॉइंट है माशी मुश्किल। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को कई माशी मसायल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे। नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफी थीं। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। यहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पटसन मशरक़ी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था।
तकसीम के वक्त मुतहदे हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की कुल शाखें 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 आई। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश ये थी कि जब पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क ना चल सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। हीलों बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मीशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक दिए। फौजी असासों की तकसीम, अगला पॉइंट है फौजी असासों की तकसीम। बरसवीर की तकसीम के बाद फौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से कामयाब लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने तय किया कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम कर दी जाए। मुतहदा भारत में 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी और उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान में मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री को क्या इसकी मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्री के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि वह अपने असला बनाने वाली फैक्ट्री काम कर सके। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उसे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो गए। यूँ पाकिस्तान को अपने हिस्से जायज हिस्से से भी महरूम कर दिया गया। ज़रई मुश्किल। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है जहाँ नहरी आबपाशी के बगैर ज़रात मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं और नहरों पर अहम हेडवर्स भी भारत को दे दिए गए, जिनके नतीजे में हमारे नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए भारत ने फिरोजपुर दरिया सतलुज और माधोपुर दरिया रावी हेडवर्क से पाकिस्तान को पानी की फरहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। इस चार का मकसद पाकिस्तान के ज़रिए इलाके को बंजर करना और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर गैर मुस्तकम करना था। चुनाचे सिंध तासवादा 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। 3 दरिया रावी सतलुज और ब्यास भारत को और 3 दरिया सिंध झेलम और चना पाकिस्तान को मिल गए। इसके बाद सियासी मुश्किल। नेक्स्ट पॉइंट है क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसायल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इलहाक किया। इनमें मनावादर, दीर, सवात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का इलाहाक पसंद आया और उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। इस तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा किया। इसके बाद कायदे आज़म की वफात पर जब कौम गम में निढाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह कदम ब कदम भारत ने पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलाक चाहते थे। इसी गोलोग की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर के इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। बेटा यहाँ तक ही आपका 9 क्वेश्चन नंबर 4 था। 9 क्वेश्चन नंबर 4 क्या पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किल का डायगल है। पेज नंबर 34 से 34 के दरमियान ये 7 हेडिंग है बेटा। इसमें रेड क्रेफ अवार्ड, महाजीन की आबादकारी, इंतजामी मुश्किल, माशी मुश्किल, फौजी असासों की तकसीम, जरिए मुश्किल और सियासी मुश्किल, ये बेटा आपका 9 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आपने याद भी करना है और इसको आपने होमवर्क में लिखना भी है। इसके साथ साथ अगर इस चैप्टर में या इन सवालों में कोई आपको बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, और आपने इस सवाल को होमवर्क में भी लिखना है और याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।